with our Panch Kappan challenge. And on fans' demand, we have Gaurav S. Bajaj, also known as Sher Singh, and Kritida Mistry, also known as Shraddha of PR Rangrez, to take this challenge. Here, both the actors get a chance to ask 5 questions to each other, which helps them and the viewers know more about them. Let's start. Hi, I'm Gaurav Bajaj, and aap sab logo ka Sher Singh from PR Rangrez, and ye hain Mystery Girl. Why do you always call me Mystery Girl? Hi everyone, I'm Shraddha. Kirtida. Kirtida Mystery. अब मिस्त्री की क्या मिस्ट्री है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. एंड बाय द वे यस, इवेंचुअली हम लोग का ये इंटरव्यू इसलिए है क्योंकि हम पांच का पंच चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और मेरे सवाल रहेंगे 5 अच्छे से सवाल कीर्तिदा मिस्ट्री से I am going to ask you questions. That's what we had decided. Anyway, मेरा पहला question है कि आपको मतलब बहुत थोड़ा लंबा question है तो answer छोटे छोटे दीजिएगा क्योंकि मेरा footage ज़्यादा है. Okay. आपके जो co-actor हैं गौरव एस बजाज जो शेर सिंह प्ले कर रहे हैं उनके बारे में आप बताइए कि वो कितने support करते हैं, कितना आपको encourage करते हैं, कितना motivate करते हैं और कैसा लगता है उनके साथ काम करके. ये सवाल ही अपने आप में एक जवाब है. इन्होंने खुद ही इतनी सारी तारीफ कर दी अपनी. कितने बहुत करते तो हैं वो तो तय है बट कितने ये बताएं. बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत मस्ती भी करते हैं. ही इज़ क्रेजी, बहुत मतलब लेग पुलिंग करता रहता है मेरी. दूसरा अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि गौरव बजाज कैसे इंसान है. क्रेजी पर्सनल मतलब ऑफ स्क्रीन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रेजी है, बहुत मस्ती करता है, पागल है बिल्कुल. और स्वीट, वेरी हम्बल. ये ना ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको ट्यूशन दी थी. आप जिस तरीके से आंसर दे रहे हैं ना थोड़ा एक्चुअल रियल बता यार मैं कितना आरामी हूँ. साली तो सही में बोल रही है यार. सो ये बताइए. ओके सो आप ये बताइए कि प्रोफेशनल कितने हैं गौरव. आप ये समझिए कि आपके सामने गौरव नहीं बैठे हैं. अब इस सवाल का जवाब दीजिएगा. वेरी प्रोफेशनल. बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है. जैसे कि सबको पता ही है कि इनको इंजरी हुई है बट स्टिल ही मेक्स इट अ पॉइंट कि वो अच्छे से आप देखेंगे अगर एपिसोड तो बिल्कुल भी ये लगने नहीं देते कि इनको इंजरी हुई है, इतना दर्द हो रहा है. ही कम्स रेगुलरली फॉर द शूट, अच्छे से शूट करते हैं. सो ही इज़ वेरी प्रोफेशनल. बस कर पगली रुलाएगी क्या. इतना तो मुझे भी नहीं पता था मेरे लिए. एक्चुअली एनीवे वो एक सेपरेट है. अब मैं एक सबसे डेंजरस सवाल पूछता हूँ. मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि गौरव बजाज को क्या अच्छा लगता है, क्या खाने में अच्छा लगता है, जितना आपने ऑब्जर्व करा है, और दिन भर की दिनचर्या में वो क्या करते रहते हैं और क्या उनका स्केड्यूल है शूट में एंड ऑल दैट. थोड़ा बताइए मतलब लेट्स सी आपने कितना ऑब्जर्व करा है और सच बताना. स्केड्यूल तो क्या रहता है, सुबह सबको पता है हम शूट पे आते हैं, पूरा दिन यहीं पे रहते हैं 12-13 आवर्स सेट पे. तो फेवरेट फूड आई थिंक आई एम नॉट टू श्योर बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है आई थिंक ही लाइक्स चिकन, बट चिकन में क्या दैट आई डोंट नो बट ही लाइक्स चिकन अ लॉट. ये सवाल थोड़ा सा हाँ एंड आई थिंक ही इज अ बिग फूडी, इनको खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और ये मेरे सारे इंटरव्यू में है कि मैं भुक्खड़ हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन फ्रीक. बट मैं तो आपको अभी मिली हूँ ना, इट्स जस्ट बीन लाइक 1.5-2 months. आदत है किसी चीज के आदि हैं, कुछ ऐसा है कुछ समथिंग दैट यू थिंक किसी चीज के आदि वो मतलब ओके अपने फोन से बहुत ज्यादा प्यार है. ये चीटिंग है. टाइम प्लीज यार, टाइम प्लीज, लेट मी चेक माय फोन. हाँ लास्ट क्वेश्चन ये है कि वन थिंग दैट यू रियली हेट अबाउट गौरव बजाज. आई मीन बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू फेस मी ऑलमोस्ट 30 डेज अ मंथ. सो होल्ड द माइक, लेट मी गिव लिटिल एक्सप्रेशन.
नहीं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आई हेट अबाउट हिम, इज रियली स्वीट, वेरी वेरी नाइस गाय. और ये मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव टू यू नो बिकॉज आई एम शूटिंग विथ हिम एवरी डे, ऐसा नहीं है. आई रियली मीन इट, इज अ वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट गाय. देयर इज नथिंग दैट आई हेट अबाउट हिम. एंड नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हेट तो नहीं, बट एक चीज़ ऐसी है कि ये फील टेल मी, हाँ परेशान तो मतलब ठीक है वो तो, बट देन अगर कुछ तारीफ करेगा तो तारीफ करेगा, उसके बाद बोलेगा चल चल आई वाज जस्ट जोकिंग. तो मुझे समझ में नहीं आता है. एक्चुअली बट शी इज अ नाइस गर्ल एंड शी इज गुड गर्ल सो फार. अभी फिर से कुछ बोलेगा देखना. कुछ किया तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू 5 क्वेश्चंस. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट कीर्तिदा? Kirtida is a very nice girl. Kirtida is a very beautiful girl. Kirtida, aur kaise kaha tha? Are generally she's very sweet to work with. She's very nice and comfortable to work with. And best part is she's very open in learning. मतलब हाँ मतलब कुछ सिखाओ तो समझ लेती है, सीख लेती है, हाँ नहीं करती है. और she's good to work with. She's good. Something that irritates you. Something about me that irritates you. Something which really irritates me about her is what? If I'm not shooting, अगर मैं कहीं बाहर हूँ, मुझे कुछ काम है ऐसे, मुझे कुछ पूछना है या फिर मैं सेट पे हूँ, तो ये लड़की अपना फ़ोन अपने पास कभी नहीं रखती है. मतलब इफ़ आई हैव टू टेक्स्ट यू समथिंग, कुछ गॉसिप पूछनी हो या बतानी हो, तो यू आर नेवर अवेलेबल यार. तो उसको डायरेक्टली वहाँ जाकर, एक्चुअली वी आर ऑलवेज ऑन विद अ माइक सो वी हार्डली टॉक. सो हम लोग वो मैसेज खेलते हैं. सो दिस थिंग रियली इरिटेट मी. सो प्लीज टेक केयर. कहीं भी साड़ी इधर उधर कहीं भी छुपा लिया कर यार. Fourth question is, so this is your fifth show, so including PR and Grace, आपकी favorite co-star कौन रही है? चढ़ मत जाना बेटा, वो झाड़ से उतारना भी आता है मेरे को. No, honestly, because you know the answer because I have already told you. So you being so smart, that's why you're asking this question. Because she's already been told about this. I have done how many of her shows, good shows. But maybe because she's new and that's what I said, she's a good learner. She's a good observer. इसको जो सिखाओ सीख लेती है, मेरा ही नहीं बाकियों के लिए भी, मतलब जैसे director. Very easy and smooth to work with. तो अभी तक मैंने जितने भी शोज करें, आप मेरी फेवरेट और गुड को एक्ट्रेस हो, गुड को स्टार हो. सो आई लाइक वॉट शी, यू नो द वे शी वर्क्स. प्रोफेशनल है, टाइम पर आती है, टाइम पर जाती है. एंड या दिस इज वॉट शी इज़ वेरी स्मूथ टू वर्क विद. द रीज़न आई एम टेलिंग बिकॉज शी इज़ वेरी गुड लर्नर. कोई लोग होते हैं कि वो सिर्फ बोलते हैं हाँ, बट शी इज़ अ गुड लर्नर. मुझे खाने में क्या पसंद है? तू खाना खाती है? आई मीन खाने में जहाँ तक मुझे पता है, हम लोग जोधपुर में थे, सो आई थिंक यू लाइक चाइनीज कुजीन समवेयर. ये देखो, अरे है ना, क्योंकि मुझे याद है हमने वहाँ चॉपसी या समथिंग वी हैड, आई हैड वही अपना बटर पनीर और तंदूरी रोटी और प्याज, और ये मैडम ने अपने लिए चॉपसी या कुछ बोला. सो आई रिमेम्बर. Okay guys, thank you so much for watching PR Angrez and giving us good, amazing feedbacks, and with all your wishes and blessings, it's really doing well. We can see that. And yes, again, I'm saying, as I say it in all the interviews, that I personally read your feedbacks, and it's not possible to reply. And you guys can connect with me personally on Follow app on 28th of this month, 28th of May at 4 PM. सो जल्दी से डाउनलोड करो अपने फ़ोन पे फॉलो ऐप और जानिए गौरव बजाज से, उसकी लाइफ के बारे में, या जो भी आपके क्वेश्चन से लिखना चालू कर दीजिए. सो उसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वो इतने सालों के बाद, कि ये एक चीज़ मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ. दिस आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट लेट्स होप फॉर द अमेजिंग थिंग. सो कीप विशिंग, कीप प्रेइंग एंड कीप वॉचिंग PR Angrez. बाकी आई एम हैंडिंग ओवर टू कीर्तिदा मिस्त्री. श्रद्धा, आई हैव टू गो फॉर द शॉट. सी यू, बाय बाय. मैं बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. कंटिन्यू टू वॉच PR Angrez. बाय एंड टेक केयर. लव शेसिंग एंड श्रद्धा.
After hearing to all these questions and answers, we must say they know everything about each other. This will keep the chemistry between them always strong. We hope you guys enjoyed watching this segment. Do post your comments and let us know. Ruchika Singh, cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Gautam Rode. Keep watching India Forums and please subscribe to WhatsApp TV. Take care.